जब से बीजेपी की सरकार आई है अन्याय लगातार बढ़ता जा रहा है और अन्याय चरम सीमा पर है। और कई ऐसे मौके हैं, मैं आपको कन्नौज का उदाहरण दे सकता हूं। वहां पर सरकार के डिप्टी सीएम सीएम के माध्यम से लगातार संपर्क रहा, वहां पर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे रहे। एक हत्या हुई, उसके बाद मैंने जिलाधिकारियों को कहा कि अगर हत्या हुई है उसके दोषी आप लोग हैं, प्रशासन है। और ये बात मैंने इसलिए कही कि अगर प्रशासन सही समय पर न्याय दे दे तो घटनाएं नहीं होंगी। प्रशासन पूरा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है और कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बन के काम कर रहे हैं। वो रामपुर हमारे बगल में आदरणीय आजम खान साहब बैठे हैं, इन पे सब झूठे मुकदमे लगे हैं। इतनी परेशानी तकलीफ और इस तरह का अन्याय किसी भी राजनीतिक परिवार के साथ नहीं हुआ होगा जितना इनके साथ हुआ है। आज बस जब मैं आपसे मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, सुबह सुबह मेरे घर पर एक परिवार आया और रोता हुआ आया कि रात में उनके परिवार एक समाजवादी पार्टी के पूर्व में रहे प्रत्याशी उसको उठा लिया है पुलिस ने। मैं लखनऊ से चल करके बरेली, बरेली से चल करके रामपुर और रामपुर से मुरादाबाद तक मैं फोन मिलाता रहा हूं, लेकिन अभी तक पुलिस कप्तान का फोन नहीं उठा। सोचिए, अगर पुलिस के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन जाएंगे उनसे क्या न्याय की उम्मीद करेंगे आप। और ये एक घटना नहीं है, झांसी में दीपक यादव जो घटना में नहीं था, कहीं मौजूद नहीं था, सीडीआर में कहीं नहीं। आजकल तो इतना कुछ है, साइंटिफिकली आप टेक्नोलॉजी से प्रूव कर सकते हैं कौन कहां किस समय था। वो मौके पे नहीं, उसको जेल भेज दिया। ईडी सीबीआई जितनी भी संस्थाएं वो सब पीछे लगा दी। रमाकांत यादव, मैं कितने नाम लूं जो समाजवादी पार्टी के लोगों पर झूठे मुकदमे लगे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो नई परंपरा चलाई है ये लोकतंत्र को खतरा पैदा कर रही है। लोकतंत्र में ये स्वस्थ व्यवहार नहीं है कि आप अपने पॉलिटिकल लोगों पर झूठे मुकदमे लगाएं। मुझे याद है जिस समय बिजली विभाग का प्रोविडेंट फंड उनके कर्मचारियों का एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया गया था, वो कंपनी जब भाग गई, कंपनी जब लॉस में चली गई, तो उस समय जिन अधिकारियों ने फैसला लिया था उनको जेल भेजा गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। मैं इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और न जाने कितनी संस्थाओं का पैसा अपने सबसे प्रिय उद्योगपति को लगा दिया, आज कई लाख करोड़ का घाटा हो गया है। क्या उन अधिकारियों को भी जेल भेजा जाएगा जिस तरीके से प्रोविडेंट फंड को भेजने वाले अधिकारियों को सालों साल जेल रखा गया था? क्या भारतीय जनता पार्टी SBI, क्या भारतीय जनता पार्टी LIC के बड़े अधिकारियों को जेल भेजेगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण है कि अगर आपने किसी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है सरकार का पैसा और वो प्राइवेट कंपनी अगर भाग गई है, तो उस समय के अधिकारियों ने जिन्होंने फैसला लिया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जेल भेज दिया गया। क्या इस तरह जो लाखों करोड़ रुपया डूब गया केवल दो कंपनियों में, क्या उनके SBI के, क्या LIC के बड़े अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा? और देश को तो सपना ये दिखाया जा रहा था कि दुनिया में वो सबसे बड़े उद्योगपति बन जाएंगे, नंबर एक पर उद्योगपति होंगे, लेकिन आज जब सूची देखते हैं तो 20 की सूची में भी वो नाम नहीं आ रहा है। आखिरकार कितना झूठ बोलेगी ये सरकार, उनकी तो वैल्यूएशन गई है, लेकिन जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था उन आम लोगों का पैसा चला गया। और ये सरकार कहती है कि हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, जिन कंपनियों ने MOU किया है क्या इन्वेस्टमेंट आएगा? और लखनऊ में जो तैयारी हो रही है इन्वेस्टमेंट की, कम से कम सरकार ये बताए कि पिछली बार इन्वेस्टमेंट कितना आया था जब पहले बार MOU हुए थे। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं 75% वो जमीन पर ले आए। मुरादाबाद में बताओ कोई बड़ा कारखाना लगा हो सरकार की तरफ से, अमरोहा में कोई बड़ा कारखाना लगा हो सरकार की तरफ से, रामपुर में बड़ा कोई कारखाना लगा हो सरकार की तरफ से, या सरकार के प्रयासों से बरेली में कोई कारखाना ना लगा हो।
जब इन जिलों में और हम आसपास के जिलों में उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि कहीं भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, तो हम कैसे मान लें कि जो एमओयू हो रहे हैं वो सच एमओयू हो रहे हैं? और सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कागज लेकर के घूमते हैं, और कहीं कोई अगर टाई पहने और सूट पहने दिख जाए उससे एमओयू कर लेते हैं। 5 लाख करोड़ का तो जमीन पे पहुंचा नहीं, अब तैयारी है न जाने कितने लाख करोड़ की, तो क्या जमीन पर पहुंचेगा? ये भारतीय जनता पार्टी जनता को धोखा दे रही है। जिस तरीके से नंबर एक पे उद्योगपति पहुंचाने का सपना दिखाया था, वो पता नहीं उद्योगपति कहाँ पहुंचेंगे, और अभी तो शेयर गिर रहे हैं। पूरी सरकार लगी है बचाने में, पूरा तंत्र लगा हुआ है बचाने में, पूरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लगी है बचाने में। तो सोचिए, जब एक उद्योगपति के साथ इतनी इंस्टीट्यूशंस हों वो नहीं बच पा रहा है, तो और आम व्यापारी उद्योगपतियों का क्या होगा? जब देश का इतना बड़ा उद्योगपति डूब रहा है, तो उस इन्वेस्टमेंट के बहाने उत्तर प्रदेश में कौन इन्वेस्टमेंट करने आएगा? सर, जो बड़े उद्योगपति हैं, क्या आप चाहते हैं कि जो ये सब हुआ है, शेयर गिरे हैं और जो आरोप लग रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ जांच हो इस तरह के फंड के? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक उदाहरण दिया था, और बीजेपी की सरकार का एक उदाहरण है कि जिस तरीके सरकार के कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड DHFL कंपनी में इन्वेस्ट किया था, और ये सोच करके कि ये DHFL से ज्यादा मुनाफा मिलेगा उन्हें, लेकिन वो कंपनी फेल हो गई और इस पर जांच हुई। उस समय के जिन अधिकारियों ने DHFL में पैसा इन्वेस्ट किया था उन्हें जेल भेज दिया गया था, सालों साल जेल रहे। क्या उसी तरह का मामला भारत सरकार में नहीं दिखाई दे रहा है? सरकार दोनों एक है, कानून दो के लिए अलग अलग नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारी मांग है कि अगर उत्तर प्रदेश में जेल भेजा जा सकता है अधिकारियों को जिन्होंने फैसला लिया, तो क्या उस जगह पर जो लोग बैठे हैं वो जेल भेजे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यहाँ तो 1200 करोड़ का मामला था, ये तो दो कंपनियों का 1 लाख।